आज हम लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी वो नदी है जिसके बैंक्स पे, जिसके तट पे सिंधु घाटी की सभ्यता, विख्यात सिंधु घाटी की सभ्यता का रचना हुई थी। आज हम देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी अलग अलग नामों से जानी जाती है। तिब्बत में इसे सिंगे ख्वाब कहते हैं क्योंकि वहाँ ये सिंह के मुंह से निकलती है। सिंह के मुंह से निकलने से कारण इसको सिंगे ख्वाब बोलते हैं और उसी से सिंह और सिंध, सिंह के कारण इसका नाम सिंधु पड़ा। और ऐसे ऐसे करके ये यहाँ से मानसरोवर से निकल के ये अरेबियन सी में पहुँच जाती है। लेकिन खास बात यह है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता कुछ कारणवश, वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट रहे थे, फ्लैश फ्लडिंग के इम्पैक्ट रहे थे, वो सभ्यता एकदम ख़त्म हो गई। और उसके बाद सिंधु की डिस्टॉर्शंस हिंदू हुई, हिंदू की इंदस बनी और आज हम अपने आप को इंदस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते थे उस टाइम की सिविलाइजेशन को, और हम इंडिया भी बोल देते थे। तो ये डिस्टॉर्शंस जो सिंधु के साथ हुई हैं उसी के नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम हिंदू पड़ा, हिंदू से हिंदुस्तान पड़ा और आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और ये इंदस बना और इंदस से इंडिया बना। तो ये जो डिस्टॉर्शन इतने सारी हो गई हैं उसके कारण हमारी सभ्यता में भी डिस्टॉर्शंस हो गई हैं। अच्छे भले शब्द को हमने डिस्टॉर्ट कर दिया और हिंदू शब्द और इंडिया शब्द ऐसे बना दिए जिनका कोई हमारी सभ्यता में कोई विशेष महत्व नहीं है।